वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। प्ले टू अर्न क्रिप्टो गेम्स के लिए 21 बहुत ही इनक्रेडिबल ईयर रहा। इसके साथ ही ब्लॉकचेन गेम्स ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली है। ब्लॉकचेन बेस्ड गेम आने से पहले प्लेयर ओनली इन्वेस्ट करते थे गेमिंग में, लाइक पबजी, फोर्टनाइट जैसे कई गेम्स हम खेलते हैं एंड ऑलवेज हम मनी स्पेंड करते हैं। बट इन ब्लॉकचेन गेम्स एंड एनएफटीज गेम में आप अच्छा खासा प्रॉफिट एंड रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो इन टर्म ऑफ एनएफटीज एंड टोकन। बट आप अकेले ऐसा करने वाले नहीं हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत से प्लेयर हैं आपकी तरह ही कॉमन गोल के लिए एनएफटीज गेम खेल रहे हैं टू अर्न सम मनी। बट इसके लिए गेमिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो वेरी करता है प्लेयर टू प्लेयर, लाइक कलेक्टिंग रेयर आइटम्स एंड सेल देम ऑन सेकेंडरी मार्केट प्लेस ऑन इथेरियम, डिफीटिंग अदर प्लेयर इन बैटल टू अर्न क्रिप्टो एंड सो ऑन। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इसलिए स्टार्टिंग में आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बट बहुत सारी फ्री ब्लॉकचेन गेम्स भी है। अगर आप स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आई बटन पर बेस्ट फ्री ब्लॉकचेन गेम्स की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में कई एक्साइटिंग गेम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 7 पर है क्रिप्टो ब्लेड्स। क्रिप्टो ब्लेड एक प्ले टू अर्न एनएफटी आरपीजी गेम है, बिल्ड ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन, और इसका नेटिव टोकन है स्किल टोकन। इसमें आप अदर ओपोनेंट के साथ बैटल करते हो और जो विनर होता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में प्लेयर को स्किल टोकन मिलता है। स्किल टोकन का यूज आप गेम में पावरफुल वेपन को क्रिएट करने में और कैरेक्टर मिंट करने में कर सकते हो। जितना ज्यादा पावरफुल आपका वेपन होगा उतने ही ज्यादा स्किल टोकन आप अर्न कर पाओगे। क्रिप्टो ब्लेड के एनएफटी मार्केट प्लेस में आप अपने एनएफटीज को ट्रेड भी कर सकते हो, जो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अगर आप अपना टाइम एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छा खासा स्किल टोकन अर्न कर सकते हो। क्रिप्टो ब्लेड एक ऑनलाइन गेम है तो इसको कंटिन्यू इवोल्व करते रहना ही पड़ेगा टू स्टे रेलिवेंट इन एनएफटीज गेमिंग इंडस्ट्री, जिसका मतलब है इसमें न्यू फीचर कंटिन्यू ऐड होते रहेंगे जो प्लेयर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है फार्मर्स वर्ल्ड। फार्मर वर्ल्ड एक एनएफटी बेस्ड फार्मिंग गेम है, बिल्ट ऑन दी वैक्स ब्लॉकचेन। वैक्स ब्लॉकचेन पर वैसे तो और भी बहुत सारी गेम है बट ये उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है। फार्मर वर्ल्ड में मेन 3 थिंग और रिसोर्सेज हैं, वुड, फूड एंड गोल्ड, और इनके लिए 3 डिफरेंट टोकन है, वुड कॉइन, फूड कॉइन एंड गोल्ड कॉइन। इन तीनों ही रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए टूल्स एंड हेल्थ की जरूरत होती है, जो है एनएफटी गेम्स कार्ड। एक्स सो एंड चैंसा का यूज होता है वुड कॉइन के लिए, फिशिंग रोड, फिशिंग नेट एंड फिशिंग बोट का यूज होता है फूड कॉइन के लिए, एंड माइनिंग मशीन का यूज होता है गोल्ड कॉइन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। गोल्ड कॉइन का यूज होता है न्यू टोल्स को बाय एंड रिपेयर करने के लिए। फार्मर वर्ल्ड के साथ एक प्रॉब्लम है, वो है इसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है और काफी टाइम कंज्यूमिंग गेम भी है ये। एंड जो भी रिसोर्सेज आप इसमें माइन करते हो लाइक वुड कॉइन, फूड कॉइन एंड गोल्ड, उसे आप वैक्स कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्लिक एंड माइनिंग गेम है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इससे स्टार्ट जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट है गोड अनचैन। गोड अनचैन एक ब्लॉकचेन बेस्ड फ्री टू प्ले कम्पिटिटिव ट्रेडिंग कार्ड गेम है और आप इसे प्ले करके गोड क्रिप्टो अर्न कर सकते हो। इसमें आपको अपने ओपोनेंट को बीट करना होता है टैक्टिक्स का यूज करके। हर एक कार्ड का अपना एक करेक्टर है एंड उसकी यूनिक एबिलिटीज है, सच एज स्ट्रेंथ, लाइफ, मैजिक स्पेल एंड सो ऑन। रियल कार्ड की तरह ओनर इसमें अपने कार्ड्स को कई तरह से यूज कर सकते हैं। कार्ड इसमें एज अ एनएफटीज यूज होते हैं और आप एनएफटी मार्केट प्लेस में कार्ड्स को ट्रेड भी कर सकते हो और सिंपली गेम प्ले करके आप गोल्ड टोकन अर्न कर सकते हो। गोल्ड टोकन का यूज आप 4 तरह से कर सकते हो, न्यू एनएफटीज क्रिएट करने में, स्टेकिंग में, न्यू गोड्स अनचैन आइटम परचेज करने में एंड गेम गवर्नेंस में फॉर वोटिंग पर्पस। गोड्स अनचैन एक बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड वाइड गेम है जिसके थ्रू आप फ्री में खेलकर अर्निंग कर सकते हो क्रिप्टो में। नेक्स्ट है स्टार एटलस। स्टार एटलस इस नेक्स्ट जनरेशन वर्चुअल मेटावर्स गेमिंग, जिसमें मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेमिंग को आप इंजॉय कर सकते हो और इसे बिल्ड किया गया है सोल ब्लॉकचेन पर। एटलस एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन पर बेस्ड गेम है जिसमें रिसोर्सेज, ह्यूमन मैनकाइंड, एलियन रेस एंड एंड्रॉइड्स को इमर्ज किया गया है। स्टार एटलस में आप डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, कॉम्बैट फाइट कर सकते हो,
शिप्स एंड स्पेस स्टेशन बिल्ड कर सकते हो, रिसोर्सेज माइन कर सकते हो, अलायंस बना सकते हो रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। पब्लिक बहुत ही एक्साइटेड है इस गेम को लेकर, बिकॉज स्टार एटलस का एम है एक इमर्सिव मेटावर्स गेमिंग एक्सपीरियंस डिलीवर करना अपने यूजर्स को, और उसके साथ साथ यूजर को बहुत बेटर क्वालिटी का स्पेस विजुअल एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड यूजर्स इसमें कई तरह से वर्चुअल एसेट्स को अर्न कर सकते हैं और मार्केट प्लेस में ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टार एटलस में थोड़े ही टाइम में लैंड सेल्स स्टार्ट होने वाली है, और स्टार एटलस में लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टार एटलस में लैंड आपके एम्पायर को बिल्ड करने में हेल्प करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें लैंड ओनर अपनी लैंड को लूज भी कर सकता है, प्लेयर इसमें लैंड को बाय एंड सेल कर सकते हैं, इवन टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और कोलैटरल की तरह भी यूज कर सकते हैं फॉर लोन। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस को लेकर पब्लिक में स्टार एटलस गेमिंग के लिए काफी एक्साइटमेंट है, और अगर आप साइंस फिक्शन बेस्ड गेम खेलना पसंद करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए, जिसे आप गेम खेलकर क्रिप्टो अर्न कर सकते हो स्टार एटलस। नेक्स्ट है एक्सी इन्फिनिटी। एक्सी इन्फिनिटी 21 की मोस्ट पॉपुलर टू अर्न गेम है, जिसे बिल्ड किया गया इथेरियम ब्लॉकचेन पर। एक्सी इन्फिनिटी गेम आपको पोकेमोन गेम जैसी वाइब देती है। इसमें आपको टीम बिल्ड करनी होती है क्रिएचर्स की, जिनको एक्सी कहते हैं। एक्सिस के साथ आप बैटल कर सकते हो अरीना मोड में अपने कंपटीटर के साथ। एक्सी इन्फिनिटी में आपको 2 क्रिप्टो का यूज करना होता है, एक्सी इन्फिनिटी टोकन एंड सेकंड SLP स्वीट लव पोशन। एक्सी इन्फिनिटी को अर्न करने के लिए आपको PVP लीडर बोर्ड में जगह बनानी पड़ती है, एंड SLP अर्न करने के लिए आपको एडवेंचर मोड कंप्लीट करना होता है और अरीना मैच बैटल खेलने होते हैं। दोनों टोकन का यूज होता है एक्सिस को ब्रीड करने में। ब्रीड करने के लिए भी आपको 2 एक्सिस की नीड होती है। इसमें आपको कोई भी डिफॉल्ट एक्सी नहीं मिलते, आपको एक्सी बाय करने पड़ते हैं, और मिनिमम 3 एक्सी आपके पास होने चाहिए। सभी एक्सी अपने आप में एक यूनिक NFTs है, और सभी की यूनिक स्किल्स है जिनका यूज आपको बैटल में करना होता है, और आप अपने एक्सी को मार्केट प्लेस में ट्रेड भी कर सकते हो। इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ओपन सी के बाद ये सेकंड सबसे बड़ी NFTs मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट है स्प्लिंटरलैंड। स्प्लिंटरलैंड एक डिजिटल कलेक्टिबल कार्ड गेम है बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें प्लेयर्स को कार्ड कलेक्शन को बिल्ड करना होता है विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, और बैटल करना होता है विद अदर प्लेयर्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट। डिजिटल कार्ड को आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट प्लेस में। जैसे जैसे आप बैटल करते हो आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है, एंड न्यू प्लेयर्स की रैंकिंग में कोई डाउन साइड नहीं होती स्टार्टिंग में। बैटल में आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपका ओपोनेंट चूज होता है, और आपको बैटल में 6 मॉन्स्टर कार्ड सिलेक्ट करने होते हैं और बैटल को विन करना होता है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये एक फ्री टू प्ले गेम है, बट गेम को फुली अनलॉक करने के लिए आपको $10 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिससे आप बाय करते हो स्पेल बुक को, जिसके थ्रू आप अर्न करते हो डार्क एनर्जी क्रिस्टल, जिसे आप रिडीम करते हो क्रिप्टो करेंसी में। स्प्लिंटर लैंड का नेटिव टोकन है स्प्लिंटर शेड। नेक्स्ट एंड लास्ट गेम से पहले, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। लास्ट है द सैंडबॉक्स। द सैंडबॉक्स इज अ वर्चुअल वर्ल्ड और मेटावर्स है, जहां पर प्लेयर्स लैंड बिल्ड कर सकते हैं, लैंड ओनर बन सकते हैं, एंड अपने लैंड को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। द सैंडबॉक्स को बिल्ड किया गया है इथेरियम ब्लॉकचेन पर। 3 मेन इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हो द सैंडबॉक्स में। फर्स्ट है वोक्सल एडिटर। इसमें आप वोक्सल मॉडल क्रिएट कर सकते हो और उन्हें एनिमेट भी कर सकते हो, और उन मॉडल का यूज आप गेम में कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री टू डाउनलोड है। आफ्टर क्रिएशन आप उन्हें सैंडबॉक्स की मार्केट प्लेस में भी लिस्ट कर सकते हो सैंड क्रिप्टो अर्न करने के लिए। इसके अलावा आप खुद की गेम बिल्ड कर सकते हो गेम मेकर में, और कोई भी प्लेयर आपकी बिल्ड की हुई गेम को खेलता है तो आपको इससे क्रिप्टो अर्न होगी। इसके अलावा अगर द सैंडबॉक्स के डेली क्वेस्ट में आप मिशन कंप्लीट करते हो तो भी आप सैंड क्रिप्टो अर्न कर सकते हो। एंड द सैंडबॉक्स में अगर आप लैंड ओनर हो तो आपको वोटिंग राइट भी मिलता है कैसे सैंडबॉक्स गेम वर्क करना चाहिए, और आप अपने लैंड को रेंट पर भी प्रोवाइड कर सकते हो अदर प्लेयर्स को, और आप उनसे रेंट ले सकते हो। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस है द सैंडबॉक्स में क्रिप्टो अर्न करने के। राइट नाउ द प्ले टू अर्न NFTs गेम
सबसे डोमिनेंट सेक्टर है क्रिप्टो स्पेस में। जब तक एनएफटी कंसेप्ट राइज कर रहा है, एनएफटीज एंड ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग सेक्टर भी राइज करता रहेगा। आप अपने कोडिंग चूज कर सकते हो कौन सी गेम खेलकर आपको क्रिप्टो अर्न करना है। वीडियो में हमने फ्री टू प्ले एंड प्ले टू अर्न दोनों के लिए सबसे बेस्ट क्रिप्टो अर्निंग गेम्स सजेस्ट की है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।